सारा मित्र राम राम सासोगा तड़का यूट्यूब चैनल पर सारा को स्वागत है। तो ध्यान थोड़ा बिना उड़ गयो तो उगड़ती बोलना ही खातर। तो मैं थाने आज एक चीज बताना चाहूँ जकां आ चीज की मोटापो बहुत ज्यादा है, कई हाथियां हुई बोड़ा थुड़ थुड़ सा हुआ, बहुत ही ठंडा हुआ है। तो बिंग लिए नी थाने एक टिप्स बताऊं। तो ए दोनों हाथ है जका ए जका कंधा है अपने अठे रख लिए और आ चीज ने इं कर करके पहला इन आ गए फिर इं बेक कर गए इं फिर इन आ गए फिर इं बेक कर गए इं फिर इन आ गए इं कर गए। जे 5 मिनट करानी तो आ चीज अपनी गट जाए, आ चीज तो क्या बहुत ही ज्यादा कि लटकनी सी जे नहीं तो आ चीज गट जाए। और थाने वेट पेट को भी कम करना मैं बता छू और मैं इं बता छू कि जे पत्थरी हुए पेट में तो वह ना करियो, अलग कि ऑपरेशन करवाइड हुए कुछ और दिक्कत हुए थाने मना करेड हुए तो वह ओ योग ना करियो, क्योंकि वो भी थाने भी ध्यान है भी पत्थरी हुए जो भी ज्यादा हालने डुलने वह पत्थरी हाल भी जाए दुखन भी लाग जाए। तो ये चीज थोड़ा सा गौर कर लियो, जो सादा बुद्ध है साधारण है वांग रोग ना है कुछ पेट में तो बिंगली योग बहुत बहुत ही अच्छा है। मैं थाने बताऊं अब फोन पकड़ना तो फिर आज कोई कौन ही, पर मैं थोड़ी ट्राई करके थाने बताऊं भी पेट है नी पेट पेट एक लो ही गट्टे को भी। तो आज मैं और मेरे टोगड़ती दोनों सगा पहला मैं बोलूं फिर बाइकर बाप बोली। और एक थाने मैं बताऊं वेट जब मैं कम करना है नी तो तू फिक्र कर ली अभी ही गट जाऊगा। तो मजाक करूं क्योंकि नहीं कई बार तो टेंशन में आदमी मोटापो बदे भी है, क्योंकि ज्यादा टेंशन हो जाए तो बीपी बदे बीपी के यंग मोटापो भी बदे। तो आसन की सो बात है कई टेंशन ज्यादा ले तो थक भी जाए, तो मन थोड़ी सी टेंशन हो जाए मैं बहुत पतली हो जाऊँ। हो रही भी वहां दिना मैं कोई योग कौन करे आ दिना में पतली ही होगी और ठीक है ज्यादा मोटापो काम को कौन ठीक है नॉर्मली सेट हो गया। और देखा थारे लिए सरप्राइज वीडियो आवेगी आगे 22 तारीख को लेकर 28 तारीख के बीच बीच में, तो मैं एक वीडियो इसी भी लिया थार खातर जो थारे लिए भी सरप्राइज है और मेरे लिए भी सरप्राइज है मेरे लिए भी सरप्राइज है। तो थाने वेट पेट को बताऊं कि कम करना है दीवार के ऊपर एकदम पूरी तरह हाथ ला रहे करना है पूरा थोड़ा सा बेक हो जाए और बेक हो बाद में सोबरियां इं करना है 1 2 3 4 5 ऐसा का अपना पग है दीवार है अगर दीवार है दीवार पर दोनों आते हैं पूरी अच्छी तरह लगा के थोड़ा सा बे कट जाए और ये दीवार पर हाथ लगाना है पग ने उठाना है अभी 1 और 2 3 4 इं करके सोबरियां करें तो पेट वो बिल्कुल गट्टा है पतलो पेट हो जाए। तो सिंपल सा तरीका है तो वो नॉर्मली सी टिप्स है और ज्यादा दोरो भी कोनी कर्स को भी दीवार पर दोनों हाथ रख के थे पहला वो पग उठाने फिर इलो पग उठाने फिर वो पग उठाने पग पूरा ऊंचे तक आना चाहिए भी आप का नहीं पग पूरा ऊंचो तक आगे नीचे जा पूरो दोनों पग तो पेट है नी वो बहुत ही भी गट जाए। वो कई हूँ जो जल्दी जल्दी वे तो जल्दी जल्दी करियो तो जल्दी जल्दी करे बहुत फर्क पड़े ज्यादा और भी उम्र के हिसाब जल्दी जल्दी कही हूँ कोनी वे तो आराम हो कर्स को फिर रूटीन में थाना आदत पड़ जी सी भी ये पग उठानगी और सिंपली है जद भी धर्म मन करे जद भी हो कर्स को तो पेट को मोटापो कम हो सी हाथों की चर्बी को मैं थाने बता भी दियो तो आ चीज कर्स को। और बिकाल भी मैं थाने चेहरे के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और कई जना के हो के मार चेहरे पर जो बाल उग रहे कई अंक है मारे इं बाल अटकर भी उग रहे कई कह मार अटकर भी बाल उग रहे तो बंग लिए मैं थाने एक अच्छी सी चीज़ बताऊँ भी मैं लारे बता भी रखी 2 चम्मच तो चीनी ले लियो 2 चम्मच चीनी लेगी भी 4-5 बूंद नींबू को रस भी रेड़ लियो और मैंने गर्म कर लियो धीमी धीमी आंच पर गर्म करके फिर भी वो लेप सो बन जाए थोड़ा थोड़ा गर्म गर्मी में जड़ जड़ो सो जाए जब मैं नीचे उतर के थोड़ो सी नए नए वे जब आपके चेहरे पर लगा के फिर मैंने भी बाल कोई सूती कपड़ों को लगा लगा के साफ कर लियो साफ करे बाद में सफेद जकी फिटकड़ी आवे बिन पानी में डबोगे हल्की हल्की और धीरे धीरे आप गए जठे जठे बाल साफ करिए बट मसाज कर लियो ओ सातवें दिन करना है महीने में 4 बार करना है तो थार बाल धीरे धीरे
सारा कम होता जाएगा, चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आज की वीडियो थे भी था सारा सागर की देखी उसी और मैं भी देखी बिन भी कहन तन तो काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ 7-8 दिन हो गया जब मैं बिन बोली बेटा तू अलग हूँ भी देख लेते रहो भी पीजी देखे तो पीजी तू अलग हूँ जाके देख ले या फिर तू आपको भी रूम भी देखना चाहे तो तू देख ले। तो देखने लग रहे वो कई जगह तो बोले भी फैमिली पूरी है तो रखा, कई जगह के दो ही बच्चा अलाउ रहे तो यहाँ कर गिर अब थोड़ा जच्चो है एक फिर मैं ही मेरे परिवार को बेटो है तो मेरा भतीजो है भी वो ही जान की तैयारी करे। जब मैं आज भी फोन कर दी बेटा तू उड़ जा और सागर है तू अरे एक जना उड़ जी तीन जना बढ़िया और भी फ्लेट में भी थे बोले ले गो रे लियो। तो देखो भी दो चलो आज मेरो बेटो है मेरो जामेड़ो तो मना चीज़ अच्छी लग गई भी हाँ वो यहाँ करे यहाँ। तो मैं थारे लिए भी थाने एक अच्छी बात बताऊँ भी टाबर ने बोलनो भी सिखानो चाहिए कुछ गलत बातें होती मैं आ बात देखो पीरू वीडियो बनाई नहीं भी कुछ गलत बातें हुए तो भी गलत बात के खिलाफ टाबर ने कुछ बोलनो भी चाहिए अगर गलत ना हो। मैं क्यों भी एक झुको दूसर झुको तीसर बार बार ना झुको तो आ सही बात है सागर थोड़ा दिन देखियो थोड़ो मैं बिन बोलियो बेटा प्यार तू बात कर हैंडल करी बात ने भी भैया ने कोशिश कर भी भैया इं ना कर तू भी इं खानो पीनो मेरे जचन को लग रहे हो ना कर। तो देखो भाई अगर कुछ गलत होने लग रहे नहीं तो भी चीज़ ने रोकनो ही ठीक है फिर वो गलत ज़्यादा टाइम तक रहे भी टाबरा ना आप पढ़ाई खातर गाल रखियो है अरे जब खानो पीनो अच्छा ना हो तो वो पढ़ाई खटू कर लेगो जब पेट में कुछ खानो पीनो अच्छा ना है तो वो पढ़ाई फिर खटू कर लेगो। तो आज वन सारी बात बोल गए कही है तो सही है गलत के लिए बोलना चाहिए और एक चीज़ सदा बिन कर सागर कभी कोई चीज़ पर झूठ ना बोली जबकि है स्पष्ट कही तो सागर की सही बात है आदत है जबकि है वो आईने तेरिया साफ है और सामने रख दिया बात है भी आइया करके इं लग रही आ चीज़ इं है तो आ चीज़ मैं बहुत अच्छी लगी। कई बनिया कई टाबर इं भी हुए कई बोलते है कि आपन पाऊँ क्यों मतलब कौनी आपन कोई लेनो देनो कौनी अपने ना बोलियो इं ना कहियो तो भाई बह के करे नहीं जीवती माखी आंख देखे तो क्यों गिटी जाए कोई गलत बात होती है तो मैं तो मेरे परिवार के लिए दूसरे खातर मेरू तो बोली इस तो जय कही जे बात है अठा थारी गलत है। तो आजकल था ध्यान है गलत बात हुए नहीं कोई बोले तो अगलो सामने बोल गए हाँ ना कि कही कौन बोल गए कुछ कौन कहे भी आ थारी गलत बात है कि ठा भाई की ध्यान है दो टप्पा रखे तो इस चीज़ को फिर मन हुए भी क्यों कौन बोले जठे बोलने की जिग्या हुए नहीं बोलने की बात हुए भी आ माने आपन बोलनी चाहिए दो टप्पा खातर इंगो बलो होने लग रहा है इंग फायदो होने लग रहा गलत है जन भी आप बोल के कह दिया तो बैठे तो बोलना चाहिए इं आँखा पर जमे पट्टी तो कौन मान दीजिए भी पट्टी मान लिया आप इग्नोर ही कर दिया दिस ही कोई गलत है तो गलत है तो हक गिजगियाँ तो कुछ बोलना भी चाहिए और आपके टावरा भी तो इं सक्षम बनाना चाहिए भी बेटा गलत है बाका चीज़ गलत है सही है बा चीज़ सही है आप कह दिया दुनिया दुनिया मतलब कौन है आप तो कुछ तो मतलब रखो जब दुनिया में आ गया तो दुनिया भी मतलब रखो। तो आ जिंदगी अब भी मिली है आगे केड़ा मिल सी कि ना मिल सी मिल सी तो अपन के ध्यान उसी भी आप पहला के होता तो छोटी सी जिंदगी है तो इन्हें सारे प्रकार हम जी लियो। तो देखो इतनी सियाणी तो मैं भी कौन ही मेरू सियाणा तो बहुत बहुत बैठे है जिसी मेरी सोच है जिसी समझ है जिसी मैं थारा के शेयर कर दूँ तो सारा मित्र को राम राम कमेंट शेयर लाइक जरूर जरूर कर दिए और सब्सक्राइब कर लीजिए तो राम ही राम।